खबर सुल्तानपुर से है, जहां देशव्यापी चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल के विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन आयोजन किया। पूर्व विधायक अनूप संडा व पूर्व सांसद ताहिर खान की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से हाथों में तख्तियां लिए हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए बिल वापस लेने की मांग की। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय से चलकर पूर्व विधायक अनूप संडा, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने बैठकर प्रदर्शन करते हुए सरकार पर हमला बोला। तो वहीं पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा ने जिले में पुलिस प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद कर रखा था, जिसमें कई तहसील के सीओ और पुलिस प्रशासन को लगा रखा था। बिल को मुद्दा बनाकर सपाइयों का हल्ला बोल प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर जारी रहा। सपाइयों को नियंत्रित करने में सीओ विजय मल यादव, क्षेत्राधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ल को छूटे पसीने। पुलिस अधिकारी व सपाइयों में जमकर नोकझोंक भी हुई। सपाइयों को विकास भवन के बाहर भी लगा सपाइयों का जमावड़ा। हल्ला बोल को नियंत्रित करने के बजाय दूर से नजारा देखते एडीएम प्रशासन व एसडीएम सदर। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के केंद्रीय आह्वान पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति सुल्तानपुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और उसके साथ ही तिकोनिया में धरना दिया गया। दस्तक भारत के लिए सुल्तानपुर से अनुराग द्विवेदी की रिपोर्ट।